यहाँ पर बैगन हमने मल्चिंग पर लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम ड्रिप का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और यही वजह है कि काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। अभी पिछली वीडियो हमने इसमें डाला था और इसमें ड्रेंचिंग किया था, जो भी स्प्रे किया था इसके बारे में बताया था, और अभी तक उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है इसकी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मैं फार्मर राहुल पटेल पंचवटी ऑर्गेनिक फार्म में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हमने घास कैसे निकाला है, इसकी निराई गुड़ाई कैसे किया है, इन सब के विषय में जानकारी के लिए लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो इसके बाद से हमने यहाँ पर जो जो भी कार्य किया है और आगे क्या कार्य करने वाले इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों वीडियो में आगे बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और आप इसमें बिना ड्रिप के और फ्लड में ही आप मल्चिंग का प्रयोग कैसे करते हैं, खाद कैसे देते हैं, इन सब की जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारा 41 दिन की अभी की ये फसल है और यहाँ पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और उसमें कुछ फल भी बनना शुरू हो गए हैं। इस तरीके से कुछ पौधे जो छोटे हैं अभी उसमें फ्लावरिंग आ रही है, और जो थोड़े से अच्छे पौधे हो गए हैं जिनका ग्रोथ अच्छा हो गया है वहाँ पर फल बनना भी स्टार्ट हो गया है। थोड़ा बहुत खाने के लिए यहाँ से फल की तुड़ाई शुरू हो गई थी और 29 दिन में ही यहाँ पर जो सबसे पहला फल था वो बन गया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अभी इसमें जो है जो जिस तरीके से पौधे की ग्रोथ है इस हिसाब से यहाँ पर जो है अच्छी क्वालिटी के फल बनना शुरू हो गए हैं। ये जो हमारी वैरायटी है ये वीएनआर की नवीना वैरायटी है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे टाइप से इसमें फल आ रहे हैं। पिछली बार हमने वीएनआर 212 लगाया हुआ था और उसके जो कलर थे लगभग ऐसे ही थे, हल्का सा इससे ज़्यादा वो डार्क कलर में था और फलन तो बहुत अच्छा गजब का आ रहा था, लेकिन मंडी में इसकी डिमांड थोड़ी कम थी, तो इसलिए हमने इस बार ये वाला ट्रायल किया हुआ है। इधर के जो भी ये प्लांट हैं ये सब वीएनआर के नवीना के हैं, और आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं जो हमारा है, हमने यहाँ पर सनग्रो कंपनी का 704 बैगन लगाया हुआ था वो हमारा ये वाला बैगन है, और यहाँ देख सकते हैं इसमें इस टाइप से यहाँ पर फल आ रहे हैं। ये कुछ फल छेदक कीड़े भी यहाँ पर लग गए हैं, और इधर भी ये जो है सब ये 704 है वैरायटी सनग्रो कंपनी की। तो इस तरीके से इधर की जो दो लाइन है हमने केवल इसी में 704 लगाया हुआ है, एक किनारे के साइड में और एक ये आगे भी इधर इसमें 704 वाली वैरायटी है, और कहीं कहीं पर जहां पानी ज़्यादा लग गया था वहां ग्रोथ कम हो गया था, लेकिन अब क्योंकि यहां पर हमने ड्रेंचिंग भी कुछ किया था और बगल में कुछ खाद भी एक्स्ट्रा डोज दिया था तो यहाँ पर इसका ग्रोथ थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं इसका जो एक अच्छी साइज़ का जो फल है ये इस टाइप से इसका सनग्रोथ 704 का ये ऐसे कलर आता है, और इस टाइप के बैगन की डिमांड हमारे यहाँ अच्छी रहती है। इसके बाद के ये जो बैगन है ये हमारा वीएनआर कंपनी का बीर है और ये गोल्ड टाइप से बैगन आता है, तो इसमें और इसके बाद वाला जो दूसरे साइड में है वो भी सनग्रोथ 704 की जैसे होता है, ये हमारा कलश कंपनी का मांझी बैगन उधर लगा हुआ, उसमें भी कोई कहीं कहीं पर फल बनना शुरू हो गए हैं, और इसमें भी आप देख सकते हैं पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी है। नीचे से दो पौधे लगे हुए थे लेकिन 3G कटिंग होने के बाद इसमें कई ब्रांच निकली हुई हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमने जो देखभाल किया था बरसात बराबर हो रही थी तो इस वजह से यहाँ पर जो मिट्टी है थोड़ी बैठ गई है, और यहाँ पर घास भी काफ़ी निकल आया था, तो घास तो जो जानवरों को खिलाने के लिए लोग काट के ले जा रहे हैं। मल्चिंग लगी हुई है, किसी तरीके से इसमें हमने गुड़ाई नहीं किया हुआ है, इससे पहले जो ड्रेंचिंग किया था उसकी जानकारी हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं, दो बार हमने ड्रेंचिंग किया था, कुछ स्प्रे किया था, और उसके बाद यहाँ पर जो फल छेदक कीड़े लगते हैं इन सब के लिए और रस चूसक कीड़ों के लिए बीच बीच में स्प्रे होता रहा है। और यहाँ पर निराई की बात करें तो जो होल में जो घास आती थी बस उसको यहाँ पर दो बार निकलवाया गया था हाथ से ही ऐसे टहल टहल कर, जिसमें कुछ घास निकलती थी या दिखती थी उससे हम होल से निकाल लेते थे। और बाकी आपको आगे यहाँ दिखाते हैं, इसमें बरसात की वजह से जहाँ पर होल बने हुए थे जैसा कि आप देख सकते हैं ये बरसात में यहाँ पर ये पॉलीथीन में जो होल बना हुआ था इस तरीके से घास निकलती थी, तो इसको इस तरीके से यहाँ से हाथ से निकाल देते थे, बाकी किसी भी तरीके की निराई नहीं हुई है। ये मल्चिंग पहले भी प्रयोग की जा चुकी थी तो यहाँ पर जो होल बना हुआ इसमें देख सकते हैं कितनी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर घास आई है। यदि यहाँ पर हम मल्चिंग नहीं डालते तो उम्मीद लगा सकते हैं आप कैसा कितनी मात्रा में यहाँ पर घास होती, और जब यहाँ पर घास हो जाती तो और अपने आसपास के जो बैगन हैं उनको बढ़ने नहीं देती। तो इस तरीके से देख सकते हैं कितना इसका मजबूत जड़ होता है, तो ये पूरा पोषक तत्व यहीं से खींच लेती। और पॉलीथीन हटाने के बाद हम आपको दिखाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहाँ पर यहाँ मल्चिंग नहीं थी वहाँ कितना गड्ढा हो गया है, और मल्चिंग के अंदर की जो साइड की मिट्टी थी वो ऊंची उठी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि यदि यहाँ पर मल्चिंग नहीं होती तो ये मिट्टी करीब 1 इंच के आसपास और धंस जाती, और इसका मतलब यही होता है इसके अंदर जो पोरोसिटी है वो ख़त्म हो जाती, और यही कारण है कि जो इसमें पोरोसिटी बनी हुई है इसी वजह से पौधे का ग्रोथ यहाँ पर अच्छा हो रहा है। और जहाँ पर पौधों के पास की मिट्टी ज़्यादा दब गई है, पानी ज़्यादा लग गया वहाँ पर, क्योंकि जड़ों के पास पूरी मिट्टी जाम हो गई है तो ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो किसान भाइयों, इससे पहले बेड बनाते समय हमने यहाँ पर बेड में SSP डाला हुआ था, टिलर से बेड बनाते समय हमने यहाँ पर SSP का प्रयोग किया हुआ था, बाकी अभी यहाँ पर कोई खाद नहीं डाली गई थी। तो अभी आगे यहाँ पर खाद देने का समय अब आ गया, क्योंकि इधर बरसात कुछ दिनों से बंद है और लगभग जो है यहाँ की जो मिट्टी है ये टिलर से जुताई लायक हो गया है, जैसा कि देख सकते हैं अभी इसमें नमी है वैसे, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। और यहाँ की जो मल्चिंग है हम इस मल्चिंग को हटाकर फिर यहाँ पर टिलर से जुताई करेंगे। मल्चिंग के नीचे अभी नमी ज़्यादा है तो अभी इसमें मल्चिंग को हटा देंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर हम जो अगला कार्य कर रहे हैं, जैसा मल्चिंग के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर गोबर की खाद है, और इस गोबर की खाद को हम पौधों के जड़ों के चारों तरफ डाल दे रहे हैं। और इसके बाद अब यहाँ पर जब गोबर की खाद डाल देंगे, मल्चिंग को दोनों साइड से मोड़ने के बाद बीच में कहीं कहीं पर इस तरीके से हल्की मिट्टी से दबा देंगे, और फिर इसके बाद बीच में पहले टिलर से इसकी जुताई होगी। एक बार इस साइड से टिलर जाएगा, दूसरी बार उस साइड से टिलर जुताई करते हुए आएगा, एक बार इसकी जुताई हो जाएगी, फिर उसके बाद जितनी भी हमें बेसल डोज में खाद देनी है उन सब खाद को यहाँ पर मिक्स कर देंगे, और फिर वापस से हम यहाँ पर एक बार सीधा टिलर ले आएंगे और दूसरा वापस ले जाएंगे मिट्टी को चढ़ाते हुए। तो इस तरीके से हमारा बेड जो है इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की साइड में जो इतनी अधिक ब्रांचें निकली हुई हैं, जब यहाँ पर हम मिट्टी चढ़ाएंगे तो करीब 4 अंगुल यहाँ से ऊंचाई से पूरा ये बेड ऊंचा हो जाएगा, इसकी चौड़ाई भी थोड़ी बढ़ जाएगी। और यहाँ पर बेसल डोज में अंदर खाद मिली हुई होगी, पास में हमने यहाँ पर जड़ों के पास में गोबर की खाद डाला हुआ है, तो यहाँ पर इसके पास जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी से होगा और गोबर की खाद से ये शुरू में ही पोषक तत्व खींचना शुरू करेगा और जड़ों का विकास होगा, इसी के साथ इससे पौधे की पकड़ भी बनेगी। और क्योंकि जो बैंगन का हमारा पौधा है ये जब ज़्यादा ऊंचाई पर जाता है और अगर मिट्टी यहाँ पर नहीं चढ़ाएं तो गिरने का डर रहेगा, और इस वजह से यदि हम यहाँ पर मिट्टी चढ़ा देते हैं तो यहाँ पर गिरने का डर नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर फल किस तरीके से बन रहे हैं, और ये वाला जो VNR का बीर बैंगन है इसकी साइज़ बहुत बड़ी नहीं होती है, और मंडी में जो है गोल वाले बैंगन की ज़्यादा बड़ी साइज़ 150 ग्राम के आसपास के बैंगन रहते तो वो अच्छे से उसकी बिक्री होती है, और जो बड़ी साइज़ होती है उसमें थोड़ा उसकी बिक्री में डिमांड थोड़ी कम होती है। तो इसलिए हमने इस बार यहाँ पर VNR कंपनी का बीर बैगन का चुनाव किया है। और इससे पहले हमारा नवकिरण बैगन लगा हुआ था पिछले साल, जो कि सनग्रो कंपनी का आता है, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, 300 से 400 ग्राम तक की साइज़ का भी आता है और छोड़ने और बड़ा हो जाता है, लेकिन प्रोडक्शन उसका ठीक है, मार्केट में डिमांड भी है, लेकिन उसमें क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा छोटे साइज़ के बैगन की डिमांड रहती है, और ये वाला जो बैगन है फलन भी इसका थोड़ा जल्दी ही होता है, तो इसलिए हमने इसका इस बार यहाँ पर चुनाव किया हुआ है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर हमने लगभग सब कुछ बता दिया है अभी तक जो हमने किया हुआ है, और आगे जो होगा उसको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। और आप लोग देख सकते हैं अच्छी फसल चल रही है और उम्मीद लगाया जा सकता है कि इस बार यहाँ से अच्छा प्रोडक्शन हो, क्योंकि इस बार हमने यहाँ पर पौधों के बीच के गैपिंग को भी कम किया हुआ है, लाइन से लाइन के बीच की दूरी हमने 4 फिट कर दिया है और हर एक पौधे के बीच की दूरी 1.5 फिट किया है, और एक एक यहाँ पर हम 2 पौधे लगा रहे हैं, जबकि इससे पिछले साल में हमने लाइन से लाइन के बीच की जो दूरी थी इसको 5 फिट रखा हुआ था, 2-2 फिट पर सिंगल पौधे का प्लांटेशन हुआ था, फिर भी वहाँ से हमें काफ़ी अच्छा उत्पादन मिला था। तो यहाँ पर हम उम्मीद कर सकते हैं उत्पादन और भी अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और एक नए वीडियो के साथ जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।